नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अभी निर्माणाधीन है मंदिर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी। स्पाइस जेट की फ्लाइट के ऑटो पायलट सिस्टम में आई खराबी, लौटना पड़ा दिल्ली वापस। दिल्ली विधानसभा में आज होगी विश्वास मत पर चर्चा, वोटिंग भी होगी। सीएम योगी ने 5 अक्टूबर तक यूपी के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का दिया निर्देश। दिल्ली में आज से शराब की सभी निजी दुकानें होगी बंद, सिर्फ सरकारी ठेकों पर ही बिकेगी शराब। पटियाला हाउस कोर्ट का जैकलिन फर्नांडिस को समन, 26 सितंबर को होगी। गुलाम नबी आजाद जम्मू में 4 सितंबर को रैली को करेंगे संबोधित, नई पार्टी का कर सकते हैं इस दौरान ऐलान। सोनाली फोगाट के घर पहुंची गोवा पुलिस, हिसार का ये घर खोल सकता है कई राज। और लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद आमिर खान ने एक बार फिर से वीडियो क्लिप जारी कर मांगी माफी, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से पीटी।